हाय अभिनव, इस वीडियो में हम अपने स्किल सेट में एक और स्किल ऐड करेंगे, जैब। जैब बॉक्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पंच है, सो द मोर यू प्रैक्टिस इट द बेटर इट इज। और आपको ड्रिल पता है, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हेल्प द चैनल ग्रो एंड हैव अ गुड वन। सबसे पहले टेक योर पोजिशन। अगर आपको नहीं पता करेक्ट पोजिशन क्या है तो आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस को देखो। तो जैब क्या होता है? जो पंच हम लीड हैंड से थ्रो करते हैं उसको जैब बोलते हैं। इसका मतलब है जो ऑर्थोडॉक्स फाइटर्स हैं उनका जैब लेफ्ट हैंड से होगा और जो साउथ पॉज हैं उनका जैब राइट हैंड से होगा। ओके, नाउ टेक ए पोजिशन, गार्ड अप। अभी हम अपर बॉडी पे फोकस करेंगे। जैब स्ट्रेट पंच है, मतलब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है और बैक टू पॉइंट ए आता है। यहाँ पे कोई पॉइंट सी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारा एल्बो पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड, इसको हम सीधा सीधा ले जाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे, अ फ्रैक्शन ऑफ द वे जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है उसी पोजीशन में जा रहा है और फाइनली ये रोटेट होता है और स्नैप करता है। यू हिट योर टारगेट एंड देन यू पुल इट बैक, रिट्रैक्ट बैक करते हैं, ठीक है। तो आखिरी मोमेंट पे हम रिस्ट को फ्लिप करते हैं और फुल एक्सटेंशन होता है। जब भी हम जैब करते हैं तो हम फुली एक्सटेंड करते हैं और हमारा जो लीड शोल्डर है वो हमारे चिन को कवर करता है और हमारा लेफ्ट हैंड हमारे चिन को और हमारे फेस को दूसरे साइड से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं फिर से एक जैब थ्रो कर रहा हूँ, इसको मैं मैक्सिमम जहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ वहाँ तक एक्सटेंड करूँगा। मे बी नॉट 100%, 99.95%। ये जो लास्ट का जो थोड़ा सा पार्ट रह रहा है यहाँ पे हम पुल बैक करते हैं। पुल बैक करने का रीज़न ये है कि हमारे एल्बो में इंजरी नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोअर बॉडी पे फोकस करेंगे, अपर बॉडी के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। सो लोअर बॉडी में क्या हो रहा है, जब भी मैं जैब थ्रो कर रहा हूँ तो मैं एक बहुत छोटा सा स्टेप फॉरवर्ड ले रहा हूँ। सो फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक। तो जैसे ही मैं हिट कर रहा हूँ ग्राउंड को उसी पॉइंट पे मैं स्नैप कर रहा हूँ। ओके, उसी टाइम मैं हिट कर रहा हूँ और पुल बैक करूंगा उसके बाद, ठीक है। ये सिंक में होना चाहिए। और जब भी हम हिट करते हैं अपने टारगेट को तो हम चारों नकल से करते हैं, मतलब हमारा फिस्ट फ्लैट होता है और हमारा रिस्ट जॉइंट भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें कहीं से बेंड नहीं आना चाहिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो चीज़ हम पहले जान लेते हैं। जैसे ही हम हिट करते हैं उस टाइम पे, उसके पहले हमारी बॉडी लूज रहती है और जब हम हिट करते हैं उस टाइम पे हम अपने सारे मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंक्लूडिंग आवर एब्स, और हम ब्रीद आउट करते हैं। जब ब्रीद आउट करते हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होगा एब्डोमिनल मसल्स का और वहाँ से फिर हम पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पंच कर रहे हैं तो हमेशा हम ब्रीद आउट करेंगे और ये ब्रीदिंग आउट जो है ये सिंक में होना चाहिए हमारे पंच के साथ। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात है, जब हम जैब करते हैं तो हमारा जो एल्बो है लीड हैंड का एल्बो वो हमेशा नीचे की तरफ पॉइंट करता है और फिर हम वहाँ से जैब करते हैं। अगर हम एल्बो थोड़ा सा भी उठा लेंगे जैब थ्रो करते वक्त, मतलब हम टेलीग्राफ कर रहे हैं। टेलीग्राफ करने का मतलब है कि हम अपने अपोनेंट को सटल इंडिकेशन दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं कि हम जैब करने वाले हैं। ऐसा नहीं करना है। कई बार लोग इसलिए एल्बो उठाते हैं कि वो उसमें थोड़ा पावर ऐड कर सकें, लेकिन जैब का पर्पस नहीं है पावर। जैब है क्विक पंच, वो आपके अपोनेंट को अनॉय करने के लिए है, सेटअप करने के लिए है, बड़े भारी पंचेस फेन करने के लिए। फेन करने का मतलब है प्रिटेंड करना कि आप हिट करने वाले हो और सामने वाले के इंटेंशन को समझना। फेन करने से ये भी होता है कि आप अपने अपोनेंट के नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हो विद अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, उनके सिस्टम के लिए आप नॉइज क्रिएट कर रहे हो। इवेंचुअली उनका नर्वस सिस्टम थक जाएगा और इस फटीग की वजह से वो स्लॉपी हो जाएंगे एंड दैट्स व्हेन यू हिट ओवरवेलम देम विद पंचेस एंड ओवरपावर देम। इसलिए हम जैब में एक्स्ट्रा पावर ऐड नहीं करते क्योंकि फिर उसका पर्पस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे फुटवर्क के साथ जैब कैसे करते हैं। अभी तक हम स्टैटिक जैब कर रहे थे,
स्टैटिक जैब कहने का मतलब है हम अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे थे जैब करते हुए। जब तक हम स्टैटिक पंचेज कर रहे हैं वो यूजलेस है। स्टैटिक कुछ भी यूजलेस है मार्शल आर्ट में, स्टैटिक पंचेज हो या स्टैटिक किक्स हो, ये सब फ्यूटाइल है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपके पंचेज दुनिया के बेस्ट पंचेज हो सकते हैं, आपकी किक्स दुनिया की बेस्ट किक्स हो सकती हैं, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू मूव यू आर गेटिंग नॉक्ड आउट। इसलिए अब हम जैब के साथ मूव करना सीखेंगे। अभी हम दो फुटवर्क यूज करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो पहले हम फॉरवर्ड जाके हिट करेंगे और फिर बैकवर्ड जाके। पहले हम पोजीशन लेंगे हमेशा की तरह। अब तो हमें स्टैटिक जैब करना भी आता है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से फॉरवर्ड जाएंगे जैसे हम पहले जाते थे। वन स्टेप फॉरवर्ड लेंगे अपने पंच के साथ, स्टेप को सिंक करेंगे, अपने एक्सेलेरेशन को मतलब अपने ब्रीदिंग आउट को भी हम सिंक करेंगे अपने पंच के साथ। और उसके बाद फिर जो हमारा रियर फुट है, पीछे का पैर, उसको क्लोज करेंगे ताकि अब भी डिस्टेंस मेंटेन रहे, शोल्डर विथ अपार्ट। और इसके साथ साथ हम अपने पंच को भी पुल बैक करेंगे। फिर से हम रिपीट करेंगे, स्टेप फॉरवर्ड एंड जैब एंड देन मेंटेन द डिस्टेंस। कूल, ये तो था स्टेपिंग फॉरवर्ड के साथ। अब हम सेम रिपीट करेंगे बैकवर्ड स्टेपिंग के साथ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम पीछे जाते हैं, वन स्टेप बैकवर्ड लेते हैं, तो उस टाइम पे हम अपने पंच को सिंक करते हैं और साथ में ब्रीदिंग को भी। और उसके बाद फिर जब हमारा फ्रंट लेग डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पीछे आता है, तो उस टाइम पे हम पंच को रिट्रैक्ट बैक करते हैं, पुल बैक करते हैं। अब हम फिर से शोल्डर विथ अपार्ट हैं। फिर से हम स्टेप बैक लेंगे, पंच करेंगे, डिस्टेंस को क्लोज करेंगे और पंच को पुल बैक करेंगे। जब भी मैं वन बोलूंगा आपको स्टैटिक जैब करना है। वन का मतलब यूनिवर्सली बॉक्सिंग में जैब होता है। जब मैं एफ वन बोलूंगा आपको फॉरवर्ड स्टेप लेना है और जैब करना है। एफ का मतलब है फॉरवर्ड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, और वन का मतलब है जैब। जब मैं बी वन बोलूंगा आपको बैकवर्ड जाना है और जैब करना है, मतलब काउंटर अटैक। बी का मतलब है बैकवर्ड और वन का मतलब है जैब। तो अभी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं।